प्रयागराज जंक्शन पर जिन बच्चों को मानव तस्करी की आशंका पर आरपीएफ ने महानंदा एक्सप्रेस से संदिग्ध अवस्था में पकड़ा, उन्हें जबरन मदरसा ले जाया जा रहा था। इन सबका मास्टरमाइंड मौलाना अब्दुल रब है, जो 21 बच्चों को मदरसे में काम कराने के लिए ले जा रहा था। आपको बता दें कि मौलाना रब और उसके साथियों का बुधवार को स्टेशन पर नमाज पढ़ते हुए वीडियो सामने आया था। बच्चों की तस्करी के मामले में अब्दुल रब समेत 4 लोगों की भूमिका संदिग्ध है, जिसकी रिपोर्ट बाल कल्याण समिति की ओर से डीएम को भेज दी गई है। वहीं बाल कल्याण समिति की ओर से कहा गया है कि इन 4 लोगों से कड़ी पूछताछ की जाए। रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में इन लोगों के द्वारा नमाज पढ़ने का वीडियो भी सामने आया था। वहीं बच्चों से अकेले में पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि वह सब बिहार और पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उनका नाम वहां से कटवा कर अब्दुल उन्हें मदरसा ले जा रहा था। बच्चों को सुख सुविधाओं का लालच दिया गया था। बच्चों को ले जाने वाले सीतारामपुर निवासी मौलाना अब्दुल रब और बिहार के मोहम्मद वासिल समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर रात आरपीएफ की तहरीर पर जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बाल कल्याण समिति ने बच्चों से बातचीत की तो पता चला कि सभी को जबरन ले जाया जा रहा था। उनके परिवार से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। समिति के पदाधिकारियों ने सभी बच्चों का बयान लिया। वहीं पूछताछ में पता चला कि 21 में 15 बच्चों को फतेहपुर के मोहम्मद गौती जामिया मद्रास मदरसा ले जा रहा था। अन्य बच्चों को दिल्ली मजदूरी कराने के लिए भेजा जा रहा था, जिनमें से 2 बच्चे आदिवासी भी हैं, जो बिहार और बंगाल के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।